राजस्थान की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज राजस्थान के झुंझुनू के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि दोबारा कांग्रेस की सरकार अगर राजस्थान में आती है तो राजस्थान की हर परिवार की मुखिया को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही 500 रुपये में सिलेंडर 1,05,00,000 फैमिली को दिया जाएगा। अभी 500 रुपये में सिलेंडर सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिल रहा है। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, रोजगार पैदा नहीं कर रहे। पब्लिक सेक्टर कंपनी से रोजगार बनते थे, उन्हें अब सरकार ने अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को बेच दिया है। यदि सभी उद्योगपति तो ये दिक्कत होती ही नहीं, इससे रोजगार बढ़ते, लेकिन इस सरकार ने चुनिंदा लोगों को दिए हैं। खेती किसानी भी ये अपने मित्रों को सौंपने वाली थी। आपको वो दिया था, खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था, उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी 1,05,00,000 परिवारों को 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में मुद्दम तय करेंगे, 2 या 3 में 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। ये सम्मान है उनका, महिला मुखिया का सम्मान। आपकी ये जो मिट्टी है इसने देश को बहुत कुछ दिया है। शीशा मोला जी जैसे नेता अनगिनत शहीद सैनिक, आपने इसी धरती से स्वतंत्रता की अलग जगाई। 1857 से लेकर आज तक आपकी धरती के वीर इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। यहाँ की माताओं को मेरा प्रणाम। सबसे ज्यादा रिटायर्ड सैनिक झुंझुनू में ही है और सबसे ज्यादा सैनिक जो सरहद पे आज भी तैनात है वह भी झुंझुनू से हैं।